भेजकर अपना कर्तव्य निभा दिया डेविड ने। पापा, मैंने कार्ड तो दिया था हीप को। स्मरण नहीं रहा, ऐसे कैसे भूल गए वो? इस दुनिया में अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ तो वो है कॉपरफील्ड, और मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। किसी वकील से मिलाओ ना जिसमें भरोसा किया जाए। और वो काम है क्या? सर ने बताया नहीं। कितना टाइम हो गया अभी? लंच भी तैयार नहीं हुआ अभी तक। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए कार्ड? हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। मुझे यहाँ पे अकेले नहीं रहना, मैं वहाँ होटल में अकेले बैठी रहूंगी जैसे यहाँ बैठी रहती हूँ, ठीक है? अगर तुम नहीं जाती तो उस फिशरमैन से कैसे मिली? भीमा दादा, तुम कैसे जानते हो उन्हें? आया था वो यहाँ, तुमने अपना पता दिया था ना उसे। कब आए थे दादा? काफी दिन हो गए। और तुम मुझे अभी बता रहे हो? तो क्या हुआ? अब मिल लेना उससे, अब कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। रख लो। इतने पैसों का क्या करूंगी मैं? रख लो, काम आएंगे। अरे सर, इतने सारे पैसे किस लिए? मुझे यकीन है कि तुम सब संभाल लोगे। और हाँ, जब तक मैं वापस नहीं आता, मम्मा का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। जी। और हाँ, एमिली का ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। जिम कितना अच्छा बच्चा है, पर ग्रैनी को देख के दांत दिखाता है, वाव वाव करता है। पर अब ऐसा किया जिप ने ना तो मम्मा उसे मारेगी। ऐसे 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 डोरा, कितने खत आते हैं तुम्हें? इसमें लड़कियों के लव लेटर्स भी हैं क्या? डिनर का क्या हुआ? ग्रैनी बना रही है ना। अरे देखो देखो देखो, कितनी त्योरियां है माथे पर। एक दो, तुम्हें नहीं लगता कि ग्रैनी अगर किचन में खाना बना रही हैं, तो तुम्हें भी उनके पास होना चाहिए? मैं गई थी ना किचन में, पर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। देखो, एक और त्योरी, चार। ये त्योरियां ना झुरियां बन जाएगी और फिर तुम बुढ़े लगने लगोगे। टूरा, तुम कभी तो सीरियस हो जाया करो, और ग्रैनी तो मना ही करेंगी ना तुम्हें काम करने के लिए। तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? मुझे डांट रहे हो? मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ डार्लिंग। नहीं, तुम मुझे डांट रहे हो। नहीं स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसलिए शादी की थी तुमसे कि तुम मुझे समझाने लगो। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हें वाइफ नहीं स्टूडेंट चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है डोरा, माय डार्लिंग। मैं ऐसी बात है, ऊपर से तुम डार्लिंग बोल रहे हो पर अंदर से पछता रहे होगे कि मैंने किस बेवकूफ लड़की से शादी कर ली। पछता रहा हूँ मैं? पछता रहा हूँ? तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, और मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल से चाहा है डोरा। तुम मुझे चाहते थे, अब नहीं चाहते हो, वरना ऐसे गुस्सा करते मुझ पर? तुम ये नहीं देख रही हो कि मैं क्या क्या चुपचाप बर्दाश्त करता हूँ, और मैंने तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा है। तुम बस बर्दाश्त कर रहे हो मुझे, तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है अब मेरे लिए। तुम पता नहीं किस बात का क्या मतलब निकाल लेती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम दोनों एक दूसरे की गलतियों को सहते हैं। मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता हूं तो तुम बर्दाश्त करती हो, और तुम चार लोगों की जगह 10 लोगों का खाना बनवा लेती हो तो मुझे भी। मेट को पता होना चाहिए ना कि कितना खाना बनाना है। पता तुम्हें भी होना चाहिए डोरा, और वो तो खाना ज्यादा बनाएगी क्योंकि बचा हुआ खाना तो उसने घर लेके जाना होता है। मैं ही घर लौटा रही हूं, मैं बेवकूफ हूँ, मैं अच्छी वाइफ नहीं हूँ। तुमसे बात करना ही फिजूल है डोरा।
क्या हुआ, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? हाँ क्या बात है, ट्रॉट ने कुछ कहा तुम्हें? मैं डांटूंगी ट्रॉट को। चुप चुप हो जाओ। ग्रैनी आप सोई नहीं अभी तक? हाँ वो गुड़िया का मूड ठीक नहीं था ना, बस उसको बहलाने की कोशिश करते करते इतना वक्त हो गया, बहुत मुश्किल से सोई है मैं। खूब शिकायत की होगी मेरी। अब तुम शिकायत समझो तो समझो, वो अपने मन की बात ग्रैनी से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? मेरा यकीन कीजिए ग्रैनी, मैंने उससे ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। समझाने की कोशिश कर रहे थे ऐसे ही जैसे मुझसे बात कर रहे हो। ट्रॉट वो बहुत नाजुक है, बहुत मासूम है, वो इतने लाड़ प्यार से पली है कि जरा से भी कठोर आवाज सुन के सहम जाती है, ये बात तुम अभी तक समझ नहीं पाए? मैं भी उसके चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता ग्रैनी, पर अब ऐसे तो नहीं चलेगा ना, और ठीक है मैं उससे कुछ भी नहीं कहूंगा, आप ही कुछ समझा दीजिए कि घर कैसे चलता है, कैसे चलाना पड़ता है, कैसे चलाना चाहिए। ट्रॉट तुम मुझे मिस मेडस्टोन बनाना चाहते हो? नहीं ग्रैनी। तुम जो कह रहे हो उसका मतलब तो यही है कि मैं गुड़िया के साथ वही सब करूं जो तुम्हारी मम्मा के साथ किया गया। प्लीज ट्रॉट अपनी वाइफ के साथ वो सब कभी मत करना जो तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हारी मम्मा के साथ किया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता ग्रैनी। जानते हो ट्रॉट मैं जब भी पलट कर देखती हूँ ना, मुझे वो दिन याद आते हैं जो मैंने अपनी जिद और कठोरता की वजह से खो दी। मुझे याद आता है कि कैसे मैंने अपने बीते हुए कल की परछाइयों को आज और आने वाले कल को निगलने दिया, कैसे एक भोली भाली संवेदनशील लड़की चिड़चिड़ी सन की अजीबोगरीब औरत बन गई। शायद आज भी मैं पूरी तरह से बदली नहीं हूं, लेकिन तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो ना, कुछ तो जरूर बदला है। आज मैं बस इतना समझ पा रही हूं कि किसी को भी बदलने से ज्यादा जरूरी होता है उसे समझना। अगर हम डोरा को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम उसे कुछ दे पाते हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उससे छीन बहुत कुछ लेंगे। तो क्या करें, जो हो रहा है ऐसे ही होने दें। शॉर्ट वो नादान है, बुरी तो नहीं है ना, ये बुरी लगने लगी है तुम्हें अब? कैसी बात कर रही हैं ग्रैनी आप, आप भी जानती हैं कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। हाँ ट्रॉट हमारी गुड़िया है ही प्यार के काबिल, वो जैसी है उसे वैसा ही कबूल करो, वक्त के साथ साथ वो खुद ब खुद बदल जाएगी, और अगर नहीं भी बदलती है तो भी उसे प्यार करते रहो। मैं क्या कह रही हूं तुम समझ रहे हो ना? समझ रहा हूं ग्रैनी। ट्रॉट मेरी एक बात गांठ बांध, अपने और अपनी वाइफ के बीच में किसी तीसरे को मत आने देना, मुझे भी नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मेरी गुड़िया मुझे एक पत्थर दिल और डरावनी बुढ़िया समझे। I'm a bad girl. तुम जानो मेरी डोरा,
सब कसूर मेरा था। मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, कुछ नहीं आता। नहीं डोरा, डोरा, तुम्हें प्यार करना आता है और मुझे भी बस वही आता है। गलती मेरी थी, तुम्हें बदल देना चाहता था। आई एम अ फुलिश बॉय एंड आई एम अ सिली गर्ल। फिर तो हमारी जोड़ी एकदम सही है। वी आर द बेस्ट कपल, द बेस्ट फुलिश कपल। प्यार हो या दोस्ती, इनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है एक्सपेक्टेशन। अगर हम किसी से कोई उम्मीद ही ना रखें तो उससे कभी निराश नहीं होते। और फिर तुमने तो प्यार किया है डोरा से, उसको अच्छी तरह से जानते थे ना तुम। एनीवेज कोई बात नहीं, इन सब बातों को समझने में वक्त लगता है। ये लो, ये वो खत हैं जो तुम्हें पढ़ने चाहिए, और ये बस ऐसे ही। और तुम्हारे गुरुजी का काम भी कर दिया है मैंने। वैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले थे तुम? तुम तो जानते हो डेविड, वकील अपने क्लाइंट्स के सीक्रेट्स किसी से भी शेयर नहीं करता, जैसे डॉक्टर नहीं करता। पर क्योंकि वो तुम्हारे गुरु हैं, मैं तुमसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे उनका घर टूट सकता है। सच कहूँ तो टूटने वाला है, बस अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। मिस्टर मिश्रा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमारी समस्या यह है श्रीमान हीप, कि हम श्री सत्यवान मिश्रा की संतान, और यदि से आप अतिशोक्ति न समझे तो मैं आप पर यह प्रकट कर दूं कि आज भी पटनावासी उनकी सौगंध लेकर अपनी सत्यवादिता सिद्ध करते हैं। हमारे बाबूजी के संस्कार हमें एक दिशा में खींच रहे हैं, हमारी और हमारे परिवार की दयनीय स्थिति दूसरी दिशा में। हमारी अंतश्चेतना और हमारी परिस्थितियों की मांग के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमें आपकी शर्तों पे काम करते रहना चाहिए कि नहीं। मिस्टर मिश्रा, ये फैसला तो आपको लेना है कि आपको करना क्या है। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले आप उन कर्जों के बारे में जरूर सोच लीजिएगा जो आपने मुझसे लिए, और उन कागजों को मत भूलिएगा जिस पर आपने साइन किया। मुझे लगता नहीं इन हालातों में आप मेरा साथ छोड़ने की बात सोच भी सकते हैं। अरे वाह, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज डॉक्टर सद्याल, आज आप स्टडी के बजाय यहां? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था मिसेस मुखर्जी, मुझे कुछ बात करनी है आरती से। कमाल है, बात आपको आरती से करनी है और इंतजार मेरा कर रहे थे? वो बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं। माने? मैंने अपनी विल लिखी है, वसीयत, उसे मैंने रजिस्टर भी करा दिया है। इसमें पढ़ने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे बाद मेरा सब कुछ आरती का हो जाएगा, बस इतना ही लिखा है। इसकी क्या जरूरत थी? विल की जरूरत, इसलिए थी।
लेकिन मेरी वसीयत फिर भी नहीं बदलेगी। डिवोर्स पेपर? हे ट्रॉट ट्रॉट ट्रॉट, तुम्हें अपनी ग्रैनी की एक बात पता है? कौन सी बात अंकल? शी इज द ग्रेटेस्ट वुमन ऑन द अर्थ। वो दुनिया की सबसे शानदार औरत है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। आप पूछिए ना। मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? आपके बारे में? आप दुनिया के सबसे शानदार आदमी हो। ओह थैंक यू ट्रॉट, थैंक यू वेरी मच, पर ये सच नहीं है। क्यों अंकल? देखिए आप ग्रैनी के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड हैं और मेरे गार्जियन हैं, तो हुए ना आप हमारे लिए दुनिया के सबसे शानदार आदमी। वेरी क्लेवर ऑफ यू ट्रॉट, वेरी क्लेवर ऑफ यू। अच्छा इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? हिला हुआ है ना? अरे नहीं हिला हुआ है, तुम जानते हो पर तुम बोलोगे नहीं। तुम्हें पता है कि 1649 में जब किंग चार्ल्स फर्स्ट का सर काटा गया था और उसके सर की सारी बातें मेरे सर में आ गई थी, तभी बात बात नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है। नहीं, गड़बड़ हो गई है, बात गड़बड़ हो गई है ट्रॉट। तुम नहीं मानोगे, बेसी भी ये बात नहीं मानती और देख उससे बहस नहीं करता। देख उसको बोल सकता है, बेसी यू आर रॉन्ग, यू आर टेलिंग इट लाई टू कीप हार्ट ऑफ डिक। पर डिक बेटसी से बहस नहीं करता, जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि ट्रॉट बेटसी है तो डिक है, बेटसी ना होती तो डिक ना होता। डिक अगर होता तो उसकी ना होने से भी बुरी हालत होती। देखा तुमने मुझे जो पैसे दिए थे ना कॉपी करने के? हाँ। मैंने सब इसमें रख दिया। अच्छा, और भी बहुत सी सेविंग्स है मेरी, सब इसमें रखता। अब पता है मेरे पास बैंक में बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा, मैंने सब संभाल के रखा है। मैंने बेटसी को बोला था ले लो, मैं क्या करूंगा इसका, पर उसने नहीं लिया। पर एक दिन उसको लेना पड़ेगा जब डिक। अंकल ये बेटसी का बहुत लॉस हुआ है ना, डिक सब ठीक कर देगा। अंकल मुझे मालूम है आप सब ठीक कर देंगे। डिक सब ठीक कर देगा। अंकल मुझे मालूम है आप सब ठीक कर देंगे। बहुत अच्छी लड़की है। हाँ वो तो है, ग्रैनी बहुत अच्छी है। बेटसी लड़की नहीं है तो? मैं तुम्हारे गुरुजी की वाइफ की बात कर रहा हूँ। मिसेस सान्याल? हाँ यस यस, और वो डॉक्टर सान्याल, ही इज आल्सो वेरी गुड पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। लुक, मैंने अपनी जीवनी में भी दोनों के नाम लिखे हैं। डॉक्टर सुबोध सान्याल इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, मिसेस अनीता सान्याल इज अ वेरी वेरी आरती सान्याल। मिस्टेक, मिस्टेक गलत नहीं होनी चाहिए, आरती सान्याल। राइट, इसमें भी दोनों के नाम लिखे ताकि उनके नाम ऊंचाइयों तक जा सके। देखो कहां है? मैं समझ गया अंकल। ट्रॉट,
इतने अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। बुरा तो नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। बेसी इज ए सुपरमैन। नो नो, शी इज ए सुपरवुमन। वो सब कुछ कर सकती है पर इस मामले में वो भी कुछ नहीं कर सकती। पूछो क्यों? क्यों अंकल? क्योंकि वो आउटसाइडर है। पर तुम आउटसाइडर नहीं हो, तुम बचपन से ही डॉक्टर सान्याल के स्टूडेंट हो, फेवरेट स्टूडेंट। वो तुम्हें अपना बेटा मानते हैं, तो क्या तुम इस मामले में कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इस सब के लिए तुम अपने आप को बहुत छोटा समझते हो। तो ट्रॉट एक ही आदमी है जो कुछ कर सकता है। कौन अंकल? ठीक अंकल, पेप्सी की बात का बुरा माना जा सकता है, तुम्हारी बात का बुरा माना जा सकता है, पर डिक की बात का बुरा नहीं माना जा सकता। पूछो क्यों? क्योंकि आप बड़े हैं और सर को बहुत सालों से जानते हैं, और वो भी तो आपको पसंद करते हैं। रॉन्ग आंसर। डिक की बात का बुरा इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि डिक तो पागल है, डिक दीवाना है, दिख तो पागल है, दिख दीवाना है। मिस्टर डिक, डॉक्टर सन्याल। हाय, मैं काम शुरू करता हूँ। और मैं मिस्टर डिक के साथ गपशप मारता हूँ। यस यस यस। हाय, आप एक मिनट के लिए अंदर आएंगे? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मना मत कीजिएगा। जी। क्या आप वाकई समझ नहीं पाए कि किसकी वजह से हमारी जिंदगी में जहर घुल रहा है? मैं कोशिश करूंगा आरती तुम्हारी यादों के सहारे जीने की, और अगर नहीं जी सका तो तुम्हें भी नहीं जीने दूंगा। तुम मुझसे और मेरे घर से दूर रहो। ये खत मिस रोजा डार्टल ने भेजा, वो चाहती हैं कि तुम उनसे जल्द से जल्द मिलो।